disease, hypermetropia could be disease. Presbyopia is not a disease, presbyopia is a physiological change because of the weakness of the ciliary body. उसके बाद एक चीज होती है एस्टिगमेटिज्म. बस ये वर्ड याद कर लो. इसमें बेसिकली कॉर्निया के दो कर्व्स होते हैं, एक ऊपर से नीचे और एक हॉरिजॉन्टल. ठीक है, अगर इन कर्व्स में थोड़ा सा रिलेशन ठीक नहीं है तो लाइट सही तरीके से फोकस नहीं होती, एंड दिस इज कॉल्ड एस्टिगमेटिज्म. इसको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे. तो आई टोल्ड यू अभी कि ये सारा ऑप्टिकल मीडिया जो था वो यहाँ फोकस करने के लिए बनाया गया था. आई बॉल अगर बड़ी हो गई तो लाइट आगे फोकस हो रही है, आई बॉल अगर छोटी हो गई तो लाइट थोड़ी पीछे फोकस हो रही है. एस्टिगमेटिज्म में मैंने बताया कॉर्नियल कर्वेचर ऊपर नीचे होता है, तो फिर इसकी फोकसिंग कई जगहों पे होती है. तो ध्यान से सोचना, यही पेशेंट जब पास की चीज देख रहा होगा, राइट, कोई चीज है इसकी ये दूर से, ये फार इंफिनिटी से आ रहा है लाइट, लाइट रे है, ये इंफिनिटी से आ रहा है. अब ये लाइट रे उठा के पास में रख दें तो ये लाइट यहाँ फोकस होने लग जाएगी. तो क्योंकि उन्हें पास की चीज साफ दिखती है. उसी प्रकार से इसका पास में रख दोगे तो ये और पीछे चला जाएगा, तो इसको दूर की चीजें साफ दिखती रहेंगी. सो दिस इज कॉल्ड पार्सिंग.